दादा छाता नहीं है आपके पास? नहीं। छाता नहीं है? नहीं जी, छाता है ही नहीं। हाँ। तो ऐसे धूप में यही लगा लेते हैं भगवान, यही लगा लेते हैं। हाँ। तो डेली यही लगाते हो आप? हाँ। पुराना माने, लेकिन आपके बेटे काम नहीं करते? बेटे हम पर दो बेटे थे कि दोनों खत्म हो गए। अरे दोनों खत्म हो गए? हाँ। दो पोता है, बहू है। अच्छा, यही झुग्गी में रहते हैं वे। वो भी यहीं रहते हैं? हाँ। तो आप उनके साथ नहीं रहते? वैसे याद आना जाना रहता है, ऐसे झुग्गी पे नहीं आते। अच्छा, यहीं सोता हूँ मैं। आप यहीं सोते हो? हाँ, यहीं खाना पीना खाते, होटल पे यहीं सोता हूँ। मतलब सड़क पे ही रहते हो आप? हाँ। अरे और आपकी वाइफ पत्नी? वो खत्म हो गई। वो भी खत्म हो गई? हाँ जी। अरे तो आप अकेले ही रहते हो? हाँ, मतलब और अकेले ही काम वाम? हाँ, जो भी है। हाँ। इसी से अपना खर्चा चलाते हैं? हाँ। और बहू और जो पोते हैं वो कुछ? हाँ, कर रहे हैं, कपड़े की ठेली लगाते हैं स्कूल के पास। वो कपड़े की ठेली लगाते? हाँ। हैं वो, मतलब अलग रहते हैं? हाँ। आते जाते रहते? हाँ। हैं बस, लेकिन आप यहाँ अकेले रहते हो। हाँ। और खाना पीना कहाँ चलता है आपका? खाना होटल में ठेली वगैरह लगती है, खाना खा लेते हैं। ठेले पे से खाना खा लेते हो? तो कब से ऐसे रह रहे हो आप अकेले ऐसे ही? हमने के 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से ऐसे अकेले रह रहे हो आप? हो गई भाई फ्री में? अरे बाल बच्चे हैं, कुछ का पैसा डाले हैं। अच्छा, बच्चा है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, तो मिला जुला के यही सब बस सामान है, थोड़ा सा इसी से करते हो? हाँ, इसी से कर जा रहे हैं। सामान पूरा है आपके पास? हाँ, यही है सामान। नहीं मतलब ये कह रहा हूँ, पूरा सामान है और चाहिए? नहीं, और का चाहिए है। हाँ, इतनी बहुत है, इतने में हो जाता है। हाँ, पान बीड़ी की दुकान है, आपस में दुकानें हैं, है बगल में दुकान। हाँ, ये भी यहाँ ये। अच्छा, तो वो सामान भी नहीं रख सकते? हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि बगल अगल दुकान है, सब जानते होंगे, वो कहेंगे एक और कॉम्पिटिशन कर लिया। नहीं नहीं, सही बात है। तो आप यही कर रहेंगे मतलब? हाँ। सारा सामान पूरा है आप पे? अब सामान तो ये थे, वो सामान बड़ा कर भर सकता है वो सामान। तो क्या क्या बताओ मुझे? शॉल वगैरह, जूता के शॉल हैं, ऐसे जूते के शॉल हैं है? और ये माना वो पेतावे वगैरह हैं, और रबड़ वगैरह है। रबड़ है? कितने रुपए में, मतलब आपको जो सामान बढ़ाना है कितने रुपए तक में आ जाएगा? 600-700 रुपया। 600-700 में हो जाएगा? अच्छा, 600-700 में आपका कुछ सामान बढ़ जाएगा, जिससे कि आपके पास ग्राहक आने लगे, थोड़ा बहुत पैसा आने लगे, है ना? और एक छाता मिल जाए आपको, बस दो चीज़ चाहिए। और अभी मेरे साथ मजबूरी ये है कि मैं जगह जगह जाता हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं देखिए, मैं इस स्कूटी पर हूँ और इस पर छाते रख के चलना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी सी असुविधा हो रही है। और वैसे तो बस यही एक परेशानी है कि मैं छाती अपने साथ रख के नहीं घूम पा रहा हूँ, जिससे कि मैं किसी की मदद कर सकूँ जिसको ज़रूरत है, है ना? तो अब क्या करूँ? तो बाबा, आपको छाते कहाँ मिलते हैं पता है? बड़ा वाला छाता कहाँ मिल जाएगा? जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? अच्छा, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं आसपास किसी से पूछ लेता हूँ छाता कहाँ पर मिलेगा, ठीक है? और मैं आपको शाम को या थोड़ी बहुत देर में, मैं इसके सामान के लिए आपको कुछ दिए देता हूँ। हमें यहीं मिलूंगा आप? अच्छा, आप यहीं मिलेंगे? हाँ, यहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक है, नहीं वो तो मुझे पता है, आप यहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि छाता मैं अभी ला के कहीं देख लेता हूँ, मिल जाएगा तो ठीक है। और आपके सामान के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ दे देता हूँ। देखो, मना मत करना, आपके बेटे जैसा हूँ, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा बचने लगेगा। ये देखिए, छोटी सी राशि है, रखिए। ये जितना आपने कहा था उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा ही होगा। आप इससे अपना सामान ही खरीद लेना और सामान बढ़ा के, है ना, तो 150 रुपये ज़्यादा आने लगेंगे आपके पास, ठीक है? और मैं छाता अभी आपके लिए लाए देता हूँ। और कोई ज़रूरत है बाबा? कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी जगह रख लीजिए आप? रख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों ना, मतलब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो मन खुश हो जाता है। और बहुत देर तो उन्हें से पूछना पड़ता है कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत। कभी मुश्किल से बताते हैं कि ये ज़रूरत है मुझे, बताते ही नहीं है। बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और इतनी ज़्यादा धूप है कि आप
पाँच दस मिनट में ही हालत ख़राब हो जाती है, है ना। और ऐसी गर्मी में ऐसे बुजुर्ग धूप में खुले में सड़क पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी ऐसे लोग दिखें तो उनकी कुछ मदद कर दीजिएगा, और नहीं भी कर पाएँ तो उनसे उनकी परेशानी कम से कम पूछ लीजिएगा। वो बताएंगे नहीं, जैसे ये नहीं बता रहे थे, वो बताएंगे नहीं, हाल तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ा समय आपको देना होगा और उसके बाद वो आपको बताएंगे, जैसे कि इन बाबा ने बताया। लीजिए जी बाबा, ये आपका छाता आ गया, ठीक है। खोल के देख लो, ठीक है। ये कैसे लगेगा पता है ना, पता ही कैसे लगेगा, ठीक है, पूछ लेना। नहीं तो ये छाता, ये अपने शाम को या अभी जब भी आपको धूप लगे लगा लेना, ठीक है। ठीक है बाबा, चलते हैं। हैं, अरे जुग जी हो, नहीं नहीं आपका आशीर्वाद बना रहे, बस जीना इसी के लिए है कि आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद ले पाऊँ और आपके लिए कुछ कर पाऊँ। ठीक है बाबा, है ना।